हेलो फ्रेंड्स, मैं मदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे कटिंग करने के लिए, और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे यहाँ पर। अब हमने टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल के लिए मेजरमेंट लिया है 7 इंच का। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे हम 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज में। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे, 0.5 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। अब हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, नेक की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 4 इंच की। गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 3.5 इंच, और इस तरीके से हमने लेंथ के लिए मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद अब यहाँ पर हम बोट नेक का शेप दे देंगे। हल्के हल्के हाथों से ये शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद हमने 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, 2 से 2.5 इंच। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच पे 3 से 3.5 इंच आप मार्क कर लें, जितना भी बड़ा आपको नेक रखना है। ऊपर से 2 इंच पर मार्क किया है लेंथ में, नीचे से विड्थ में लिया है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स जैसा हमें यहाँ पर पहले बना लेना है, उसके बाद गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर देखिए पॉट शेप बना रही हूँ। अगर आपको ये थोड़ा और बड़ा करना है तो आप उसके हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। मैंने इसे छोटा करके ही लिया है डिज़ाइन को। ये वाला नेक जो है नीचे से पॉट नेक ये बनने के बाद भी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, तो पहले आप इसे कम ब्रॉड करके ही लें। तो इस तरीके से देखिए एक पॉट की शेप में मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है। इसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने नेक को अच्छे से यहाँ पर कट कर लेना है। नेक की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इसके बाद देखिए हमें इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। मेन कपड़े पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है, तो जो नीचे वाला नेक है वहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और अच्छे से यहाँ पर देखिए मार्किंग कर लेंगे। एज इट इज़ नेक की मार्किंग यहाँ पर हमें करनी है, और बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग बढ़ाते हुए हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें नीचे से कपड़े के ऊपर इसे कट कर लेना है, और यहाँ पर इस तरीके से इसे रफ स्टिच कर दिया है कपड़े के ऊपर मैंने। अब छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे और एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। पूरा ही हमने इसे फोल्ड कर लेना है। गले का जो पैटर्न है वो तैयार हो गया है। इसके बाद हमने मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा लेना है और इसे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं नीचे वाले नेक पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद अब मैं ऊपर वाले नेक पर सिलाई लगाऊंगी। ये नेक के ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस पर। हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर लेंगे और अच्छे से सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमने इसे कट कर देना है, तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ से निकल रहा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है इस तरीके से। अब देखिए नेक का जो बीच का फैब्रिक है वहाँ पर भी हमने छोटा सा एक कट लगा देना है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग करके निकाल देंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमने जो पैटर्न तैयार करके रखा हुआ है वो पैटर्न हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से बराबर करते हुए हमें पिन लगा देनी है। पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने इसे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरे नेक पे मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब बीच में फिर से एक छोटा कट लगाएंगे और इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके पलट के सीधा कर लेना है। छोटे छोटे कट यहाँ पर हमने लगा लेने हैं इस तरीके से। अब देखिए नेक को हमने पलट के सीधा कर लेना है और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देनी है। इस तरीके से कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ। क्रॉस पट्टी लेना है 1.25 इंच की और इस तरीके से इसे जोड़ लेना है। डबल फोल्ड करते हुए हमने इसे नेक पे लगाना है। मैं सिंगल फोल्ड करके ही ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने नेक के ऊपर पट्टी को अटैच कर दिया है। छोटे छोटे कट लगा देंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा ली है मैंने। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है। छोटे छोटे कट लगा देंगे और अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पर प्लेट्स लगा देंगे। तो सेंटर से कपड़े के ऊपर प्लेट्स लगा देनी है 4 इंच की लंबाई में, सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा दी हैं और नीचे से कमर पट्टी अटैच करनी है डबल फोल्ड करते हुए। 1.5 इंच की चौड़ाई में मैंने कमर पट्टी लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसी के साथ ये जो बैक पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक यहाँ पर लिया हुआ है। छोटे छोटे पीसेस इसके कट किए हुए हैं। आप चाहें तो इसके ट्राइंगल्स बनाकर लगा सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट कपड़े को फोल्ड करते हुए भी इसे अटैच कर सकते हैं। कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएँ और पूरे ही नेक पर लगाना है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ नेक के नीचे नीचे वाले पार्ट पर इसे अटैच किया है। ये देखिए पूरे ही नेक पे मैंने इन्हें लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब इसे लगाने के बाद मैं नेक के ऊपर लेस लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो नेक को सिंपल भी रख सकते हैं या इसके ऊपर आप अपनी पसंद से लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस भी गोल्डन कलर में ही लगा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हमें लेस को लगाना शुरू करना है और इस तरीके से लगाएंगे। लगाते समय लेस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक छोटी प्लेट्स लगाएंगे। आगे की तरफ से लेस को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हमें, तो यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेनी है और अब हमें ऊपर नेक पर भी लेस को अटैच कर देना है।
ऊपर नेक पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। डबल सिलाई लगा लेंगे इस पर और ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।